वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक मतलब बालों के लिए टिप देना चाहती हूँ और बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं मतलब आपके जो हेयर ग्रोथ नहीं है, आपके जो हेयर है उस पर मतलब बहुत ही वॉल्यूमनाइज नहीं है, या फिर आपके हेयर जो बहुत ही चिपचिपे एंड बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प मतलब चिपचिपा रहता है, आपकी जो बाल है बहुत ही पतले हैं थिक करने के लिए, और ऐसी मतलब आपके हेयर से रिलेटेड सारे आपको टिप दूंगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और ये दोनों तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं और वो लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। जैसे ही हिट करेंगे आप लोग तो मेरा न्यू वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा और आप उसको भी इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं और फिर मैं बताती हूँ आपको क्या क्या यूज़ करने चाहिए। अगर ये थोड़ा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करें और भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ और मुझे भी अच्छा लगे। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो जो मैं बना रही हूँ अपने घर से अपने मम्मा के यहाँ से, तो वो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। आप लोग कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करते हो, चलिए कोई बात नहीं, बट मैं तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बता दूँ मैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए अपने हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे से आप लोग जितनी भी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स तो सभी अच्छी होती हैं, तो सबसे पहला टिप यही है मेरा कि आप लोग बहुत अच्छे से वेजिटेबल्स लें अपने जो फूड, आप लोग फूड हैबिट लेते हैं, वेजिटेबल अच्छी होने चाहिए, अच्छे एकदम फ्रेश वेजिटेबल खाइए। आप जंक फूड कम खाइए, जंक फूड खाएंगे तो मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है आपके हेयर्स पर, आपकी बॉडी पर अच्छा वर्क नहीं करती हैं और अच्छा भी रिजल्ट नहीं देती हैं। तो आप जो फ्रेश फ्रूट होते हैं वो आप खाइए, अपने घर में ही बना हुआ। सॉरी, जो बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक मतलब आ रहा है शोर, उसको इग्नोर कर दीजिएगा और जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के आप लोगों को चीज़ों को देखना है कि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए सबसे पहले तो आप सबसे पहले यही देखिए अपने लाइफ में कि आप क्या यूज़ करते हो, किस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा देखिए कि आपकी जो घर में क्या आप लेते हो अपने मतलब लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में, तो आप हेल्दी फूड लीजिए। हेल्दी फूड लेंगे तो आपके हेयर के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी पर भी अच्छा वर्क करेगा, तो और आपकी स्किन भी ग्लोई रहेगी और आपके बाल मतलब जो हेयर हैं वो भी लेंथ भी उनकी अच्छी रहेगी और वो वॉल्यूमनाइज भी होंगे और ब्लैक भी रहेंगे। आपकी जो भी कोई भी प्रॉब्लम है ना आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपकी हेयर से रिलेटेड, वो कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को लिखकर और आपको बता सकती हूँ, बिल्कुल 100% है ये कि आप लोग अगर अच्छा ही लाइफस्टाइल शेयर मतलब अच्छा रखेंगे अपनी लाइफस्टाइल को, तो बहुत ही अच्छे से आपके हेयर भी ग्रोथ करेंगे और आपकी बॉडी भी अच्छे से रहेगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन पर, बॉडी पर या फिर आपके हेयर्स पर नहीं होगी। तो ये मेरा पहला टिप है। और सेकेंड टिप ये है कि आपको लॉट्स ऑफ वाटर मतलब वाटर बहुत ज़्यादा पीना है। समर चल रहा हो, चाहे आपका विंटर हो या फिर रेनी सीज़न हो, मतलब कोई भी सीज़न हो, लेकिन आपको वाटर बहुत सारा लेना है। 2 से 3 लीटर तो आपको लेना ही लेना है, मैक्सिमम आपको 10 ग्लास से 12 ग्लास तक तो आपको पीना ही पीना है पानी। अगर आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतने ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन पे, आपके हेयर्स पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा सेकेंड टिप है। और आप पानी अच्छे से पीजिए, मतलब ग्लास में लेकर पीजिए, ऐसा नहीं है कि बोतल से पी लिया पानी। बोतल से कभी मत पीजिए पानी, आप हमेशा ग्लास से और बैठकर ही पीजिए। जैसे आप चेयर पे बैठ गए या फिर कभी भी लेटकर नहीं पीना चाहिए या फिर खड़े होकर नहीं पीना चाहिए वाटर को, हमेशा बैठकर
जिस तरह से मैं बैठी हूँ इस तरह से आपको चेयर पर बैठ जाना है, उसी तरह से आपको सिप कर करके ही पानी पीना है। जैसे ही आप मतलब सिप करके पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी को भी मिलेगा अच्छे से, और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपके हेयर्स भी अच्छे रहेंगे। तो ये मेरा सेकेंड टिप है। थर्ड टिप है कि आप लोग को अपने जो ईयर्स हैं वो उन लोग उसको किस तरह से आपको ईयर अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा आपके स्कैल्प पे बहुत चिपचिपापन रहता है, या फिर आपके जो ईयर्स हैं जितने भी आप वॉश कर लेते हो तो भी आपके बालों में कोई मतलब प्रॉब्लम जाती ही नहीं है आपके हेयर्स की, तो इस तरह से उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने जो हेयर्स हैं आपके, तो उसके लिए आप लेमन लीजिए। लेमन को जब आप हेयर वॉश कर लेंगे तो उस पर आप एक लेमन से आप उसको कट कर लीजिए लेमन को, और अपने जो स्कैल्प पर लेमन को अच्छे से रब कीजिए। जब आप रब करेंगे ना तो आपकी जो चिपचिपापन है मतलब ऑयल जो निकल रहा है स्कैल्प से वो भी कम हो जाएगा, और आपके जो हेयर में चिपचिपापन है मतलब बाद में जो चिपचिपापन हो जाता है वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप जब भी आप वॉश करते हैं हेयर तो उसके बाद ही आपको करना है, तो आपके स्कैल्प एकदम क्लीन रहेगी, क्लियर रहेगी, आपके स्कैल्प में किसी भी तरह की बैक्टीरिया नहीं होंगे, आपके जो बाल हैं हेल्दी रहेंगे, और आपके जो बालों की ग्रोथ है वो भी आपकी बढ़ेगी, आपके जो बालों की मतलब हेयर फॉल हो रहा होगा वो भी इससे ठीक होगा। तो आप ये करके देखिए, आपके अगर बालों पर डैंड्रफ है तो वो भी आपका ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका थर्ड टिप मैं आपको दे रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे जो मैं टिप दे रही हूँ वो उससे रिलेटेड आप बिल्कुल भी मतलब इस तरह से काम कीजिए कि आपके जो बाल हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छे हेल्दी हेयर चाहिए मतलब दूसरों की तरह हेयर चाहिए, मेरे भी हेयर इस तरह के नहीं थे, मेरे हेयर्स भी बहुत थोड़े मतलब पतले थे, सिल्की बहुत हैं मेरे हेयर, और मेरे हेयर पर कर्ली हेयर मेरे नहीं होते हैं इतनी जल्दी, मतलब टाइम लगता है लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ कभी कभार, जब मुझे अच्छा लगता है तब करती हूँ। वैसे मैं हमेशा मेरे हेयर ऐसे स्ट्रेट में ही रहते हैं। तो अगर आप लोग कर्ली हेयर चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अगर अच्छे बाल रखने हैं आपको दूसरों की तरह मतलब बहुत से लोगों के बाल बहुत अच्छे होते हैं हेयर, तो उस तरह के आप हेयर रखना चाहते हो ना तो आपको थोड़ा सा एफर्ट देना होगा, मतलब थोड़ा सा सीरियस होना होगा अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग, मतलब हेयर्स किस तरह से अच्छे रहें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से आपको केयर करनी पड़ेगी हेयर्स की, और तो आपके बाल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फोर्थ टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपके हेयर अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैंड्रफ बहुत रहता है, ड्राई हेयर में डैंड्रफ भी होता है और ऑयली हेयर में भी डैंड्रफ होता है, तो आप लोग कर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है तो आपको तो कोई ना कोई पैक लगाना ही चाहिए। पैक लगाएंगे ना आप तो आपके बाल सिल्की भी होंगे, आपकी जो ड्राइनेस है वो भी दूर होगी, आपकी जो स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम हो अगर बैक्टीरिया है किसी तरह का मतलब कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, जैसे किसी किसी को दाने हो जाते हैं, समर्स का टाइम हो रहा है तो किसी किसी को दाने वगैरह हो जाते हैं, किसी को इचिंग वगैरह होती है स्कैल्प पर मतलब स्वेट की वजह से, तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। बहुत सारे मैंने आपको कुछ बताए हैं वीडियोज़ में जो हेयर पैक है, तो आप लोग उनको देख सकते हो, रिचा रॉय आप डालेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे हेयर मास्क के। तो हेयर मास्क आप अप्लाई कीजिए, आप देखिए कि हेयर कौन सा हेयर मास्क आपके लिए अच्छा है, और आपको थोड़ा सा अच्छे से केयर करने के लिए अपने जो बालों को हेयर पर अगर आपने वॉश कर लिया है हेयर को तो आपको तुरंत की तुरंत कंघी नहीं डालनी है, मतलब फॉर्म नहीं करना है, पहले आप सूख जाने दीजिए, उनको ड्राई हो जाने दीजिए अच्छे से। जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे उसके बाद आप बालों पर कंघी कीजिए तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, टूटेंगे नहीं, एकदम ही बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो ये भी मेरा फोर्थ या फिफ्थ टिप हो गया। तो चलिए इसके बाद मैं एक टिप और देती हूँ आपको। जब भी आप हेयर वॉश करें तो सबसे पहले तो आप ऑयलिंग जरूर कीजिए, ऑयलिंग के चाहे आपकी ऑयली हेयर हो या फिर आपके ड्राई हेयर हो या फिर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपके हेयर में, तो भी आपको सबसे पहले तो आपको ऑयलिंग करनी है। कोई भी ऑयल ले लीजिए लेकिन उस ऑयल में आप थोड़ा सा जो अनियन जूस होता है वो डाल लीजिए, थोड़ा सा आप विटामिन ई का ऑयल डाल लीजिए या विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है वो डाल लीजिए, या फिर आप आलमंड ऑयल डाल लीजिए, मतलब दो
दो तीन ऑयल्स का मिक्स करके आप उसको थोड़ा सा बॉम कर लीजिए, बॉम वाटर ही बॉम ऑयल ही आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है और हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज देंगे आप लोग 10 मिनट्स तक अपने हेयर्स को मसाज कीजिए और अपने लेंथ जो आपकी हेयर लेंथ है उस पर भी ज़रूर लगाइए ऑयल्स को। तो ऑयल आप हेयर लेंथ पर लगाएंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा, रूट को भी बहुत ज़रूरत होती है और लेंथ में भी ज़रूरत होती है क्योंकि आपके नहीं तो दो मुँह में बाल हो जाते हैं, मतलब स्प्लिट हेयर हो जाते हैं। तो उनको अगर आपको नहीं चाहिए तो इस तरह से आपको ऑयलिंग करनी है। थोड़ा सा एफर्ट कीजिए अपने हेयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छे हेयर रहेंगे आपके। तो और क्या करना है आपको कि जब आपने ऑयलिंग कर ली है उसके बाद आप थोड़ा सा पानी को गर्म कीजिए, वाटर को, और उसमें एक टॉवल लीजिए या फिर आप कोई ओल्ड टी शर्ट ले लीजिए और उसको पानी में डिप करके निचोड़ कर अच्छे से स्क्वीज करके अपने हेयर्स को लपेट लीजिए। जितने भी बाल हैं आपको, आप पहले एक टाइप अप कर लेना है। टाइप करने के बाद अपने बालों पर थोड़ा सा आप स्टीम देंगे अपने हेयर्स को तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके हेयर्स का स्कैल्प का तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके बालों की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब भी आप ऑयलिंग कीजिए ना तो थोड़ा सा अपने बालों के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, किस तरह के हेयर हैं ये पहले देखिए, उसके बाद आपको जो भी कुछ करना है तो वो ध्यान रखिए अपने बालों के लिए। जो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके हेयर भी अच्छे होंगे, आपके जो लेंथ है वो भी बढ़ेगी, आपके जो बाल हैं अगर बहुत ज़्यादा रफ रहते हैं, अगर बहुत पतले हैं तो वो भी इम्प्रूव होगा उसमें। तो आप इस तरह के काम कर सकते हो। तो ये मेरा टिप हो गया फिफ्थ या सिक्स टिप हो गया। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, जब भी आप कोई पैक बना रहे हो, अगर आप पैक बना रहे हैं किसी भी तरह का तो पैक, हिना पैक तो सबसे अच्छा पैक होता है। तो हिना पैक में आप क्या क्या डाल सकते हो, हिना पैक में आप कॉफ़ी डाल सकते हो, एग डाल सकते हो, आप एलोवेरा जेल डाल सकते हो, आप लेमन जूस डाल सकते हो, मतलब कि आपको उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके आप चाय पत्ती का पानी डाल सकते हो, मतलब आपको वॉर्म कर लेना है उसको, बहुत ज़्यादा खौला लेना है, उबाल करके उसको स्क्वीज कर लीजिए और फिर आप अपने जो मेहंदी का पैक बनाना है उसमें ऐड करके और फिर अपने बालों पर लगा लीजिए। 2 से 3 घंटे आपको देना है बालों में लगाने के लिए, फिर आपके हेयर बहुत ही अच्छे शाइनी भी रहेंगे आपके हेयर और ग्लॉसी भी रहेंगे। देखिए मेरे हेयर्स, आप खुद भी देख सकते हो मेरे हेयर्स को, और किसी भी तरह के आपके हेयर्स हैं ना, थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा एफर्ट देंगे तो आपके हेयर्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपको खुद ही समझ जाएंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड, आपकी स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कमेंट करना भी बहुत ही ईजी है, आपको मेरे वीडियोस के नीचे आप लिंक पर जाएंगे, मतलब नीचे को स्लाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कमेंट कहाँ करना है, तो वहाँ आप कमेंट कर सकते हो। YouTube तो सभी लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा शायद कि कहाँ पर कमेंट करते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो आराम से। तो कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, आपके हेयर से रिलेटेड, आपके बॉडी में किस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे मुझको बता सकते हो, आप मुझे शेयर कीजिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। हेयर पैक के बाद आपको हेयर वॉश कैसे करना है, हेयर वॉश करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप पहले, अगर आपने हिना पैक लगाया है तो आप वाटर से पहले उसको धो लीजिए, मतलब आप वॉश कर लीजिए, सिर्फ वाटर से ही क्लीन करना है अपने हेयर्स को, अच्छे से क्लीन कर लीजिए। बिल्कुल भी आपका हिना पैक जो भी कोई भी लगाया है आपने वो आपके स्कैल्प पर नहीं रहना चाहिए, आपके हेयर्स पर नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको वॉश करना है क्योंकि समर चल रहा है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है कोई भी चीज़ आप स्किन पर लगाइए या फिर आपके हेयर्स पर लगाइए, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। तो अच्छे से वॉश कीजिए अपने हेयर्स को, अपने जो पैक लगाया है उसको। तो जब आप वॉश कर लेंगे उसके बाद आप ऑयलिंग कर लीजिए। ऑयलिंग करने के बाद कोई भी ऑयल लगा लीजिए आप, मैंने बता रखा है आपको एक टिप पहले मैंने दिया है,
तो आप कोई भी ऑयल मिक्स भी कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ कोई भी एक ऑयल भी लगा सकते हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, कैस्टर ऑयल लगा लीजिए, जो आपको मन करता है ना, वो वाला ऑयल जो आपको सूट करता है, मन करता है, उस तरह से कोई भी ऑयल आप लगा सकते हो। उसके बाद आप ओवरनाइट रखिए, या फिर 3 से 4 घंटे क्या मतलब दिन में तो आप पैक लगाया है तो आप पूरी नाइट के लिए ईयर में ऑयलिंग करके रख लीजिए। सुबह उठ के आप वॉश कर लीजिए ईयर को कोई भी माइल्ड शैम्पू से, जो भी आप सूट करता है आपके ईयर्स पर, जो भी शैम्पू, या फिर चाहे तो आपका हर्बल शैम्पू है, केमिकल जो भी शैम्पू होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं। आपको अगर शैम्पू आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आपको हर्बल शैम्पू यूज़ करना चाहिए। आपको गुड वाइब्स के बहुत ही अच्छे अच्छे शैम्पू मिल जाएंगे, आपको ममा अर्थ का शैम्पू मिल जाएगा, आपको पाव का शैम्पू मिल जाएगा, पाव का एप्पल साइडर विनेगर वाला शैम्पू आप ले लीजिए। आपको कंडीशनिंग भी जरूर करनी है हेयर वॉश के बाद, अगर आपने कोई भी शैम्पू इस्तेमाल किया है उसके बाद आपको कंडीशनर जरूर करनी है। कंडीशनर करेंगे आपके ईयर्स पर तो आपके जो ऑयल, जब आपके ईयर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, आपके जो बाल हैं मजबूत होंगे, आपके जो हेयर की लेंथ है वहीं पर आपको कंडीशनिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको स्कैल्प पर लगा लेना है, बस आपने हेयर की अकॉर्डिंग मतलब हेयर जितनी लेंथ है वहाँ पर आपको लगाना है कंडीशनर। आपको हेयर में जब भी आप कंडीशनर लगाएंगे उससे पहले आपने शैम्पू को अच्छे से वॉश कर लेना है पानी के साथ। जब आप पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेंगे तो आप उसको अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ लीजिए अपने बालों को, मतलब आपके बालों में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वाटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा लेना है, जितने आपका बालों की लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कंडीशनर लीजिए। कंडीशनर को आप अच्छे से एक एक बालों में इस तरह से रब करिए अपने पाम पर, और इस तरह से आप लगा सकते हो। और जिसका जो कंपनी का आप शैम्पू ले रहे हो उस कंपनी का भी आप कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको जो कंडीशनर आपको सूट करता है मतलब अच्छा लगता है आपको तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको इस तरह से आपको कंडीशनिंग करनी है इस तरह से, तो आपके सारे बालों में अच्छे से कंडीशनिंग हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट ही मैं कंडीशनर करती हूँ, ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ। तो बस उसके बाद आपको ईयर में आपने कंडीशनर भी अच्छे से वॉश कर लेना है, अपना शैम्पू अगर आपने लगा रखा है उसको पहले वॉश करना है, फिर उसके बाद कंडीशनर जब आपने अप्लाई किया है तो उसको भी अच्छे से वाटर के साथ वॉश कर लेना है। बिल्कुल भी आपके ईयर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से मैं यही बोल रही हूँ। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि आपको ईयर्स के लिए क्या चीज़, इसी तरह आपकी स्किन है, स्किन पर आपको क्या सूट करता है क्या नहीं, ये आपको सोचना है, मतलब आपको ध्यान रखना है आपकी स्किन है, आपको स्किन पर क्या सूट करता है क्या नहीं करता है ये आपको सोचना है, मतलब आपको ध्यान रखना है। आप अगर ध्यान रखेंगे ना तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे, आप भी हेल्दी रहोगे और हैप्पी रहेंगे बहुत ज़्यादा। जब आप मतलब हर चीज़ से खुश रहेंगे तो सबसे ज़्यादा तो यही मेन बात होती है कि खुश रहना, जब आप खुश रहेंगे तो हर चीज़ आपकी अच्छी रहेगी। तो ये हो गया आपका टिप। उसके बाद आपको सीरम ज़रूर लगाना है, अगर आपने हेयर ऑयलिंग कर ली है, हेयर शैम्पू कर लिया है, आपने कंडीशनर कर लिया है, उसके बाद आपको अच्छे से बालों को थोड़ा सा बालों में बांध कर टॉवल को रख लेना है, और आपके हेयर जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे, वेट रहेंगे ईयर, तभी आपको सीरम लगा लेना है आपको ईयर में। चाहे आप स्ट्रिक्स का सीरम लगा लीजिए, या फिर आप लीमन सीरम लगा लीजिए, सीरम से भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लोरियल का सीरम आता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से आपको सीरम वगैरह भी मिल जाएंगे। तो यही है आज का वीडियो, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप मेरे साथ बने रह सकते हो, मतलब आप पूरा वीडियो देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने वीडियो में क्या क्या कहा है। और आप लोग प्लीज़ मुझे एक लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए कि आप लोगों को जब पता चल रहा है ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, या फिर मतलब आप लोगों से जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके
रिलेशन में है, तो सबके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हूँ, कुछ थोड़ा सा अचीव किए कर लिया है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी 100 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक, तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए था। आई होप हो जाएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और ये जो वीडियोस हैं मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना और मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है वीडियोस, और आप लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के साथ जल्दी जुड़ी रहूँगी और मुझे अच्छा लगता है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो अपने हेयर्स के लिए, चलिए पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपके हेयर्स को हमेशा कभी भी, अगर आपके हेयर बहुत देर तक मतलब बैड हेयर में, कभी भी आपको तंगी नहीं करनी है, मतलब आपको कॉम नहीं करना है। आप जब भी कॉम कीजिए आपके हेयर बिल्कुल ड्राई हो गए हों। देखिए मेरे बिल्कुल ड्राई हेयर हैं, तो अभी मैं कॉम कर सकती हूँ बट मैं कॉम नहीं करूँगी। और मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पर, मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैं कोई शैम्पू नहीं लाई थी, मतलब अपने साथ मैंने सोचा यहाँ पर ले लूँगी, तो मैंने यहाँ पर डब का शैम्पू खरीद रखा है। मैं उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी कर दूँगी आप लोगों के साथ, थोड़ा सा ट्राई कर लूँ मैं। और ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ मैं। तो मुझे नहीं पता ये 9 टिप हो रहे हैं या 10 टिप हो रहे हैं, तो आप लोग खुद भी आप देख लीजिएगा। मतलब बोलते बोलते भूल जाते हैं ना, ट्रैक से हट कर कुछ और बातें करने लगते हैं इस वजह से। तो अगर मेरी वीडियोस थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मैंने जितने भी आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई है ना वो सब आप की करिए, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और अच्छे से थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट डालिए अपनी स्किन के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने हेयर के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो आप खुद ही समझ जाइए कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा बोल रही हूँ या खराब बोल रही हूँ। मतलब थोड़ा सा करके देखिए, जो भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने स्किन पर यूज़ करती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने ही ऊपर यूज़ करती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब मुझे अगर सूट कर रहा है तो आप लोगों को सूट ज़रूर करेगा। तो इसी वजह से मैं ये सब करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर भी आके मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो थोड़ा सा शेयर नहीं कर पा रही हूँ वीडियोस। हाँ मेरा एक ट्राइपॉड आने वाला है तो मैं आप लोगों के साथ वीडियोस मतलब ब्लॉग शेयर जरूर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना अच्छा लग रहा है, ब्लॉग भी बनाना मुझे पसंद आया तो मैं ब्लॉग भी बनाऊँगी और इस तरह की वीडियोस भी बनाती रहूँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। आई होप अपना ध्यान तो आप अच्छे से रख ही सकते हो, अच्छे से रखिए ध्यान अपना। मतलब मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हो, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो। और सब्सक्राइब कर लिया करिए यार, बहुत ही सिंपल होता है सब्सक्राइब करना, रेड कलर का बटन होता है उसको सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो रेड कलर की स्पेलिंग होती है साइड में, राइट साइड में ही, मतलब सीधे हाथ की तरफ ही होती है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ ही बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिए, तो आप लोगों के पास मेरे न्यू वीडियो पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उसको भी इंजॉय कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो जो मैं कह रही हूँ, बहुत ही सिंपल होता है और सब फ्री है, आप लोग आराम से कर सकते हो। लगता क्या है, मेरा ही लगता है, आपका कुछ भी नहीं लगता है, बस आप लोग देखते हो और सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं तो उन लोग को जब सपोर्ट करते हो तो उन लोग को अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी बना लेती हूँ तो आप लोग ये भी सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और भी आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो, मेरे साथ शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, खुश रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ में हमेशा खुश रहिए, किसी भी तरह की कोई मतलब टेंशन मत कीजिए। टेंशन लेंगे आप तो आपकी स्किन भी ख़राब रहेगी, आपके हेयर भी ख़राब होंगे, मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे और अच्छा नहीं रहेगा आपकी, मतलब तो यही मैं बोल रही हूँ बार बार, मैं हमेशा उसमें यही बोलती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए,
हेल्दी रहिए, अपना अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, अपने से जितने भी लोग हैं फैमिली मेम्बर्स का, फ्रेंड्स का, तो अच्छा लगेगा। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और चलिए, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। जैसे ही हिट करेंगे तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप उसको भी देख पाएंगे। और चलिए, अब बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो गया है, पता नहीं किस तरह का हो गया। लेकिन मैं आप लोग को एक एक चीज़ बताती हूँ, मतलब ये सोचती हूँ कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए मैं एक एक चीज़ को अच्छे से रिपीट कर करके बताती हूँ आपको, कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। बस यही है मेरा ये मोटिव कि मैं आप लोगों को अच्छे से आप लोगों के थोड़ा काम आ पाऊँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं किसी के काम आ पाई हूँ, बस इसलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो चलिए, अच्छा लगता है वीडियोज़ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।